गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम कोई खास अवसर पे बनाए जाने वाला मिठाई बनाएंगे। ये मैदा से बनता है, सिर्फ दो चीज़ों से बन जाता है, मैदा और चीनी से बनाते हैं। तो देखते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 200 ग्राम मैदा ले लिए हैं और 200 ग्राम ही चीनी है और थोड़ा से 2 चम्मच ले लिए हैं, ये शुद्ध घी है मोयन के लिए। और इस मिठाई को तलने के लिए, इस तरह से देखिए, फ्राई करने के लिए तेल ले लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक भगोना ले लिए हैं और उसमें ये मैदा है, मैदा को उसमें डाल देना है। इसके बाद फिर इसमें ये घी को डालना है, घी का मोयन डालना है इसमें। और मोयन डालने के बाद इसको पूरी तरह से, ये देखिए, ऐसे पूरा मसल लेते हैं। बाकी जो बचा घी है इसको भी इसमें डाल देते हैं और पहले घी को पूरा मिक्स करेंगे। यदि आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस मोयन में रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मोयन को इसको अच्छी तरह से मसल लिए हैं और इस तरह से देखिए, इस तरह से मुट्ठी बन रहा है, यानी कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो बनाना है, जैसे पूरी पराठा का बनाते हैं उससे थोड़ा ये टाइट रहेगा। तो इसके लिए हमको पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना रहता है। इस तरह से देखिए, एक सख्त डो बना के रख लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा से ढक देते हैं इस तरह से, और ढक के थोड़ा देर इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए इस तरह से देखिए, एक कटोरा इसमें चीनी डाल दिए हैं तो एक कटोरा ही इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमको थोड़ा से थोड़ा गाढ़ा चाशनी बनाना है। इसमें चीनी और पानी को डालने के बाद में ऐसे चलाते रहना है इसको, चीनी के घुलते तक से। ये चीनी हमारा घुल गया है। चीनी घुलने के बाद इसको 5 मिनट के लिए और पकाना है, थोड़ा से गाढ़ा चाशनी बनाना है आज। चाशनी हमारा बन के तैयार हो गया है तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए देखिए, इस तरह से ऐसे करके ऐसे तार उठना चाहिए ऐसे। तो चाशनी बन के तैयार हो गया है तो इसको उतार के साइड में रख देती हूँ। इसको 10 मिनट के लिए रख दिए थे और 10 मिनट बाद ये देखिए, आटा बढ़िया हमारा सॉफ्ट हो गया है। और तो इसको थोड़े से हाथ में थोड़े से घी लगा लेती हूँ मैं और इसके बाद इसको और एक बार ऐसे मसल देती हूँ। इसके बाद फिर इसका छोटा छोटा लोई काट लेते हैं इस तरह से, देखिए इतना बड़ा। और लोई काटने के बाद इसको इस तरह से गोल गोल बनाना है। ये देखिए, अभी आटा हमारा टाइट है तो थोड़े से बनाने में वो लग रहा है। इस तरह से एक लोई उठा लेते हैं और इसको पूड़ी की तरह ही इसको बेलना है इस तरह से। देखिए, ये टाइट आटा है तो इसमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बेल रहे हैं तो अपने ही ऐसे बन जा रहा है। तो ये देखिए, इतना मोटा इसको रखना है। इसके बाद फिर बना रहे हैं। इसके बाद ऐसे एक चाकू लेके इसमें डिजाइन बनाना है इस तरह से। देखिए, ये किनारी किनारी को इसको नहीं काटना है, बीच का ही खाली ऐसे लाइन इसमें बनाना है। ये देखिए लाइन बना लिए हैं। अब इसको क्या करना है, इसके किनारी किनारी को ऐसे मोड़ते हुए इसको जोड़ना है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे उठाते हुए। और लास्ट में इसको ऐसे ऐसे दबा देना है। ये देखिए, इस तरह से डिजाइन बन के तैयार होता है। ये हल्का से ऐसे इसको मोड़ना है, हल्का से ऐसे मोड़ के इस तरह से डिजाइन बन के तैयार होता है। तो ऐसे और बना के रख ले रहे हैं। इस तरह
तरह से देखिए पूरा मिठाई को बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए इस तरह से देखिए तेल को गरम कर लिए हैं और तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टेस्ट करके देख रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे करके उठ रहा है, तो अब एक एक करके इसको डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। ऐसे धीरे धीरे ये पकेगा तो बढ़िया खस्ता बनता है। एक बार कढ़ाई में जितना आएगा उतना ही डालता है। तो मीडियम फ्लेम में पकाते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे अपने आप ये ऊपर उठ रहा है। तो इसके बाद फिर अपने आप ये पूरा ऊपर उठ जाएगा तो इसको धीरे धीरे पलट देना है और इसी तरह इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। इस तरह से देखिए इसको बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये गोल्डन ब्राउन होते तक से इसको पकाना है। इसके बाद फिर इसको एक एक करके चाशनी में डुबा देना है। तो इसको मैं चाशनी में डुबा ले रही हूँ और ध्यान रहे चाशनी में इसको डुबाने के बाद में डुबा के रखना नहीं है, इसको डुबा के निकालते जाना है, क्योंकि इसको डुबा के रख देने पर ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसको सॉफ्ट नहीं रखना है हमको। चाशनी में इसको डुबाने के बाद इस तरह से इसको तुरंत निकाल लेना है, तभी ये बढ़िया कड़क रहता है, सॉफ्ट हो जाने पर ये अच्छा नहीं लगता है। और इसको क्रंची रखते हैं तो मैं इस तरह से इसको चाशनी में डुबाने के बाद तुरंत इसको निकालना है, इसीलिए इसके लिए कड़ा चाशनी बनाए हैं। इसी तरह से सभी को चाशनी में डुबा के निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से पूरा बाकी जो बचा है उसको सबको बना के रख ले रहे हैं। इस तरह से देखिए ये मिठाई बन के तैयार हो गया है, पूरा मिठाई को बना लिए हैं और ये बहुत ही अच्छा से बना है। ये देखिए कितना क्रंच है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और इसको करीब 15 दिन भी एयर टाइट डब्बा में रख देते हैं, इसको ठंडा करने के बाद एयर टाइट डब्बा में रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता है, 15 दिन तक से भी खा सकते हैं। या कुछ दीपावली होली कुछ भी त्यौहार के अवसर में इसको पहले से बना के रख लेना चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग भी बना के खाएँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।